दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ग्लोबल संदीप सिंह, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज हम प्री लॉन्च विषय जो होता है इस पर चर्चा करेंगे कि प्री लॉन्च होता क्या है, प्री लॉन्च में बिल्डर को क्या फ़ायदा है, कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि प्री लॉन्च किसी भी टाउनशिप का, किसी भी कंपनी का एक न्यूनतम रेट होता है, ज़मीन का रेट होता है, प्लाट का रेट होता है, जिसको मार्केट में जो कंपनी होती है, बिल्डर होते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं ताकि प्री लॉन्च में सबको मालूम चल जाए कि ये यहाँ पर टाउनशिप बनने वाली है और उसका जो बेनिफिट लोग लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। प्री लॉन्च रेट में बिल्डर को जो ब्रोकरेज चार्ज होता है और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का होता है, इसका खर्चा बच जाता है। और आपको मैं बता दूँ कि बिल्डर को या कंपनी को बैंक से ब्याज पर पैसे नहीं उठाने पड़ते, वो डायरेक्ट मार्केट से ही पैसा उठा लेता है, जिसमें कस्टमर को भी फायदा होता है और कंपनी को फायदा होता है। जो कंपनी होती है और वो ब्याज पर पैसे उठाएगी बैंक से, तो उसको ब्याज देना पड़ता है। वही मार्केट से अगर पैसा उठाती है, कस्टमर से पैसा उठाती है, कस्टमर उसमें प्लाट लेते हैं, तो वही जो बेनिफिट होता है कुछ कंपनी को जाता है और कुछ जो कस्टमर है उनको मिल जाता है। इसमें मनी ग्रोथ जो होता है कस्टमर को मिल जाती है। कस्टमर को इसमें क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो टाउनशिप बनती है तो कच्ची ज़मीन होती है, उसका डॉक्यूमेशन वर्क जो होता है वो प्रोसेस में होता है। डॉक्यूमेशन वर्क होने में समय लगता है, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 मंथ हो सकता है। तो इसमें प्री लॉन्च में अगर कोई कस्टमर प्लॉट लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसको न्यूनतम रेट पड़ जाता है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो रेट बढ़ के होता है, तो उसमें उसको मनी जो ग्रोथ होता है इंस्टेंटली मिल जाता है, इसको वो सेल भी कर सकता है और वहाँ से अपना मनी ग्रोथ जो होगा उसका बेनिफिट ले सकता है। प्री लॉन्च में कंपनी को बेनिफिट होता है और आपका जो कस्टमर है उसको भी बेनिफिट होता है। प्री लॉन्च में कई बार क्या होता है कि लोग प्लाट देखते हैं, प्लाट ढूंढते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखिए कंपनी का कि किस प्रोसेस से काम कर रही है, कंपनी का जो मालिक है या कंपनी का जो डायरेक्टर है उनके साख क्या है और उन कितना प्रतिष्ठान है, कंपनी कितनी बड़ी है, और जो ज़मीन किसान से मैनेज हुआ है वो कितने मजबूती के साथ मैनेज हुआ है। टाउनशिप में जो प्री लॉन्च का जो प्लाट होते हैं या टाउनशिप होती है, उसमें आप कनेक्टिविटी देखिए कि किस रोड से कितना दूर है, मार्केट से कितना दूर है, डेवलप होने में इसमें कितना समय लगेगा। सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ कि प्री लॉन्च जो होता है इसमें बिल्डर को फ़ायदा होता है, कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मार्केट से जैसे 20 से 50 प्लाट या 15 से 20% जैसे प्लाट के बुक अमाउंट आ जाता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट शुरू होते ही टाउनशिप का जो प्री लॉन्च रेट होता है, न्यूनतम होता है, वो बढ़ के कई गुना हो जाता है। आपको मैं बता दूँ कि 6 मंथ 7 मंथ में मैंने 2 टाइम्स बढ़ते हुए देखा है। प्री लॉन्च एक अपनी ड्यूटी होता है जिसमें प्लाट लिया जाता है, जिसको मनी ग्रोथ करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो प्री लॉन्च का अक्सर प्लाट देखते हैं। प्री लॉन्च में क्या होता है कि कोई भी टाउनशिप का एक नया टाउनशिप बनती है तो वहाँ पे मेन रोड का प्लाट, कॉर्नर का प्लाट, नॉर्थ का प्लाट, ईस्ट प्लाट या कोई डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पार्क फेसिंग में आपको प्लाट मिल जाता है। प्री लॉन्च के बाद अगर आप आते हैं प्लाट लेने तो प्लाट ऑलरेडी बुक हो चुके होते हैं और महंगे भी हो जाते हैं, जिसमें आपको मनचाहा प्लाट आपको नहीं मिल पाता है। तो प्री लॉन्च में प्लाट लेना अच्छा होता है। प्री लॉन्च में आप प्लाट लेते हैं तो आपको इंटरेस्टली मनी ग्रोथ आपको वहाँ से ज़्यादा मिल जाती है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिजिटल मार्केट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप खुश रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।